अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इट इज टू द बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स, मैं ये ऐलान करता हूं कि हर हर वो शोबे हयात में एससी एसटी को जो स्कीम अमल में लाया जाएगा वो सारे के सारे मुसलमान भाइयों के लिए अमल हो जाएगा। आप डीएससी के लिए मांग कर रहे थे, बार बार कर रहे थे हैवान में, जल्द से जल्द 900 उर्दू टीचर वैकेंसीज को भर्ती किया जा रहा है कि उर्दू सेल्फ फाइनेंस कोर्स को सरकार खुद ले लेना चाहिए। हमने कल ही इसका एड्रेस दे दिया आपको, मैं जियो का ऑफिस भेज देता हूँ। उर्दू अकाडमी को ठीक करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं सरकार पहली बार। ये 66 पोस्ट जो ले रहे हैं ये मल्टीपर्पज काम करेंगे। इन 66 लोगों को 60 दिन के अंदर रिक्रूट करके या इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपके कहने से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि नीट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है सारे देश भर में, उसमें उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। मरकज का सरकार ने इसको मान लिया और नीट में उर्दू में एग्जाम लिखने का मौका भी दे दिया। आपका मुतालिबा ये भी था, हमारे तारीखी कॉलेजेस है फलुक नुमा और चंचलगुड़ा, इनके लिए बिल्डिंग सैंक्शन करने के लिए हमने इसका आर्डर दे चुके हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहां पे भी स्कूल बनाने का एक दरगाह के जगह पे आपने बात किया है और आप 25 लाख का राज आपके तरफ से भी डोनेट करने की भी बात कहा, जल्द से जल्द उसका सैंक्शन भी कर लेते हैं। उर्दू सेकंड लैंग्वेज, ये भी बड़े दिन से डिमांड है हमारे पास। आज मैं ऐलान करता हूँ सारे तेलंगाना रियासत में उर्दू विल बी कंसिडर्ड, उर्दू विल बी प्रैक्टिस एज ए सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अकबर साहब ने जामिया निजामिया का जिक्र किया, वहां एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए आज ही हम जीओ पास कर दिए मैडम, 9,60,00,000 से फर्स्ट क्लास वहां पे ऑडिटोरियम में बनने जा रहा है। जितने भी हमारे इमाम साहब है, मोहसिन साहब जितने भी है, अब उनको एक अतिया जैसा दिया जा रहा है 1,000 रुपए, अगले साल से उनको 1,500 रुपए बिल्कुल दे देंगे। एक बार आपने सही उठाया, 100% वी विल इश्यू प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। पहाड़ी शरीफ के लिए आपने कहा, वहां 9.5 करोड़ हमने ऑलरेडी सैंक्शन किया, जो भी इश्यू किया। मौलाली दरगाह, उसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए आपने बोला, मैंने जीएचएमसी कमिश्नर को इसका आर्डर्स दे दिए हैं। अकबर साहब, हज हाउस के बगल में जो हमारे बिल्डिंग है थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है, वो बिल्डिंग भी जल्द से जल्द बनाने के लिए रकम भी सैंक्शन करेंगे। अनीसुल गुरबा के लिए जो आपने बिल्डिंग का नमूना बनाया मुझे भी बहुत पसंद आया, 21 करोड़ का लागत से उसको बनाना है, वो 21 करोड़ मंजूर करता हूँ। इस्लामिक सेंटर ये जरूरी है हैदराबाद के लिए, बहुत जरूरी है। एक फर्स्ट क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसके लिए जितना भी रकम चाहिए मैं सैंक्शन करने के लिए तैयार हूँ। हुसैनी शाहवली का आप जिक्र करें, मैं आपको वायदा करता हूँ तहे दिल से, जो खाली जमीन है 100% उसे अवकाफ वक्त बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे। एक कानून एक बिल लाएंगे हमारे वक्त बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूँ। यूसुफियन दरगाह, उसका वे जो है कंजेस्टेड है बोल रहे आप, उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे, मैं कुछ चलता हूँ। आप एक अच्छी बात कहे कि 17 ऐलानात हमारे सरकार जो हैवान में किया है उसके अमलावरी के लिए उतना ही जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ।